ईयर 1930 में लुडोविक 10 साल का था जब वो पहली बार लीला ब्रोनिका से मिला। वो एक पुलिस रईस की बेटी है जिसके पास कलेरी के पास एक संपत्ति है। लुडोविक लीला से मंत्रमुग्ध है। अपनी अचूक याददाश्त के शिकार वो 4 साल के दौरान उसके लौटने का इंतजार करेंगे। दोस्तों, वो पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से उसके प्यार में है। लीला अपने परिवार, अपने जर्मन चचेरे भाई हंस वॉन श्रेडे और उनके आश्रित ब्रूनो के साथ कलेरी लौटती है। लूडो लीला और उसके भाई टार्ट से दोस्ती करता है। हंस और ब्रूनो के साथ चीजें अधिक जटिल हैं, जो उसके साथ प्यार में भी हैं। लूडो को उनकी संपत्ति में आमंत्रित किया जाता है और उसे और उसके परिवार को जाना जाता है। 1930 के दशक में लीला ने अपना सारा ग्रीष्मकाल कलेरी में बिताया और उसका प्रेम संबंध बढ़ता गया। इस दौरान लूडो काउंट ब्रोकी के सचिव के रूप में काम करता है। 1939 में लूडो लीला में गर्मियां बिताने के लिए पोलैंड जाता है और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तब भी वो वहीं होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर एक फ्रांसीसी गांव के लड़के को एक कुलीन पुलिस लड़की से प्यार हो जाता है। नायक फ्रांसीसी प्रतिरोध में शामिल होता है, लेकिन अत्याचार का सबसे बड़ा प्रतिरोध उसके खोए हुए प्यार के प्रति उसकी वफादारी में निहित है। प्रेमियों को प्रतीक्षा करने और आशा करने में सक्षम होना चाहिए और सबसे बढ़कर याद रखने के लिए, और इसीलिए लड़का अपने प्रेमी की वापसी की प्रतीक्षा करता है, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने प्यारे फ्रांस की वापसी की प्रतीक्षा करता है जबकि नाजी झंडा खिड़कियों से लटका हुआ है। गर्व और अस्तित्व की एक विडंबनापूर्ण कहानी तब शुरू होती है जब खतरे से बचने की कोशिश में वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गोलियों के निरंतर आदान प्रदान, तकरार और अधिक अस्पष्ट स्थितियों के बीच ये एक अप्रत्याशित अंत के साथ मानव कनेक्शन की यात्रा में विकसित होता था। कि ये जो कहानी मैंने आपको बताई, हो सकता है कि गदर 2 में इस कहानी से ये इंस्पायर्ड हो।